Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रानी, रानी क्या कर रही हो तुम? मस्कीनियत लेकर आओ ना चेहरे पे वो उठ चलो उठो पड़ावा सोता रहता है अंकल मैं अभी सोया हूँ क्या नाम है तेरा आपको नहीं पता बूबू यस अच्छा ये बता भीख मांगनी आती है नो नो नहीं आती नहीं नहीं चल ठीक है मैं सिखाता तू बोल बोल मेरे माँ बाप मर गए हैं मुझे अल्लाह के नाम पे पैसे दे नो नो वो तो अल्लाह मियाँ के पास गए ना हाँ वो तो ठीक है लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तो वो बोलना कि वो मर गए हैं मेरे माँ बाप मर गए हैं मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बोल बोल नूनू वो मामा बाबा जी है ना वो अल्लाह मियाँ के घर गए झूठ बोल देना नूनू अंकल जो झूठ बोलता है ना उसके हाथ टेढ़े हो जाते हैं अरे हाथ तो मैं अभी टेढ़े करता हूँ लग जाएगी बीपी को लग जाएगी ना अब जो मैं कह रहा हूँ वो बोल अगर नहीं बोलेगा तो इसी वक्त इस बच्ची को यहीं गाड़ दूंगा नो 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 प्लीज प्लीज बोल 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 मेरे माँ बाप मर गए हैं मुझे पैसे चाहिए मेरे माँ बाप मर गए मुझे पैसे चाहिए प्लीज मैं मस्कीनियत लेके आ मुँह पे बोल ओके सॉरी मेरे माँ बाप मर गए मुझे पैसे चाहिए प्लीज 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 क्या करूँ यार पिजा पहले ही कहा था इससे कोई पैसे नहीं देगा डंगर को अब क्या करूँ चल तू एक काम कर तू ये बोल दे हाँ तू बोल मुझे भूख लग रही है मुझे पैसे चाहिए बोल नो अंकल मुझे भूख नहीं लग रही बीवी को लग रही है मिल्क चाहिए हाँ तू ये बोल चल ये बोल 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 के इस बच्ची को भूख लग रही है इसके लिए पैसे चाहिए बीबी जी को भूख लग रही है ना मिल्क चाहिए प्लीज फिर बोल बीबी जी को भूख लग रही है ना मिल्क चाहिए अब इसको पकड़ पकड़ उसको पकड़ के बोल पकड़ के बोल मर गए सर अकबर 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 जी उस्ताद कहां मर गया था तू इधर ही था उस्ताद ए मासूम से बोल बोबू को लेकर जग्गू के सिग्नल पर जाए हमारे सिग्नल पर कब्जा हो रहा है अरे जा जी उस्ताद बीबी को भूख लग रही है ना मिल्क चाहिए प्लीज बीबी को भूख लग रही है ना मिल्क चाहिए बीबी को भूख लग रही है ना मिल्क चाहिए बीबी जी को भूख लग रही है को मिल्क चाहिए सुन भाई उस्ताद का हुक्म है कि बच्चों को सिग्नल पर भेज दिया जाए सिग्नल पर कब्जा हो रहा है अबे किसकी हिम्मत है जो खूबसूरत उस्ताद के सिग्नल पर मासूम के होते हुए कब्जा कर ले चलो भाई सारे निकलो अपने अपने काम पे हाँ और हाँ उन्होंने ये भी बोला है कि बूबू को जग्गू के सिग्नल पर भेज दिया जाए क्या हाँ इसको अपने जग्गू के सिग्नल सजा ठीक मैं आपके स्टॉप पे जाऊं ओके दिमाग खराब हो गया उस्ताद का अच्छा भाई सारे भिखारी अपने अपने स्टॉप पे निकले चलो मैं चलो। स्टॉप पे जाऊंगा ना अरे तो मैं सॉरी सॉरी चलो सारे आ जाओ चलो चलो सॉरी सॉरी बीबी को भूख लग गई इसको मिल्क चाहिए जा सोरा तो स्टार्ट पीना Thank you.
पप्पू। जी बॉस। ध्यान रखियो इसका, भाग ना जाए। उस्ताद आप फिकर ही ना करें। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। निकले कुछ तो देख के जा, आज तो सुनील शेट्टी लग रहा है। अंकल बीवी मेरे के पैसे चाहिए अंकल, प्लीज। रेड वाला नोट, थैंक यू रेड वाला नोट, यस थैंक यू। अंकल बीवी के लिए दूध चाहिए। नो नो अंकल, बीवी के मेरे के पैसे चाहिए अंकल, बूबू मेरे, थैंक यू अंकल, बूबू मेरे के लिए पैसे चाहिए प्लीज। वो रो रही है, दूध नहीं है। नो नो अंकल, बूबू मेरे, थैंक यू बीबी के लिए दूध चाहिए, थैंक यू। आ रहे अंकल, बूबू मिल्क अंकल। इसको भूख लग रही है, देख मैं इसके लिए मिल्क लेकर आई। नो नहीं चाहिए, सिर्फ बूबू मिल्क पीते, नहीं चाहिए। ये बूबू मिल्क है। हाँ ये बूबू मिल्क है, बूबू मिल्क है। इसका छनकना चेक कर ले जरा। सारे पैसे आ गए बीबी, अब आपका मिल्क लेना। रोना नहीं है, आगे देखो कितने सारे पैसे आ गए। थैंक यू अल्लाह भैया। शॉप का है, शॉप वो वाली शॉप है बीबी, देखो वो वाली शॉप है, वहाँ से ले लेंगे। कहाँ जा रहे हैं बीबी? बहुत रो रही है ना, उसका मिल्क खत्म हो गया है। यह तो वो मैं ले रहा हूँ। आपको पता है नैनी ने बोला था कि जब बीवी का मिल्क और डायपर ये खत्म हो जाएगा ना और नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, ऐसे वो जिंदा नहीं रहेगी। झूठ बोल के भाग रहा है, तुझे खूबसूरत की असूल नहीं पता। ना धोखा करो ना धोखा खाओ, गलती की माफी है चोरी की नहीं। झूठ दुनिया के लिए है, खूबसूरत के लिए नहीं। लेकिन उसको बहुत भूख लग रही है, वो रो रही है ना, प्लीज मैं जाऊँ मैं जाऊँ। नहीं नहीं, ये खूबसूरत के पैसे हैं और तू उनके मर्जी के बगैर एक पैसा भी हट नहीं कर सकता। नो, आपने देखा था ना, मैंने वहाँ से पैसे लिए थे वाले। चोरी करेगा तो खूबसूरत तेरे हाथ काट देगा। अच्छा एक आइडिया ओके सुनो। बोल। आप लोग उनको नहीं बताना प्लीज कि मैं। झूठ बोलेगा तो जबान काट देगा। नो, देखे वो पैसों से मिल्क नहीं लाऊंगा ना तो मर जाएगी। वो कौन? बीबी बीबी मेरी बेटी ये मर जाएगी। ओके मैं जा रहा हूँ प्लीज। झूठी बोल, चल मेरे साथ, चल चल पकड़ इसको। शॉप पे जाना है। बीबी प्लीज नहीं रो, देखो हम लोग ना परमिशन ले लेंगे खूबसूरत अंकल से और ये वाले पैसे ले लेंगे, सही है? फिर आपका मिल्क आ जाएगा। हाँ नो प्लीज नहीं रो। अल्लाह मियाँ आप प्लीज समझाए ना बीबी जी को, बहुत तंग कर रही है। नो प्लीज नहीं रो, देखो हमको परमिशन मिल जाएगी फिर हम ले लेंगे ये वाले पैसे, फिर आपको मिल्क भी मिल जाएगा, वहाँ शॉप से ले लेंगे, सही है? नो प्लीज प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। भाई क्या हो गया, क्यों परेशान है मेरे बच्चे? ये बहुत रो रही है और बहुत भूख भी लग रही है बीवी को। इसको भूख लग रही है, देख मैं इसके लिए मिल्क लेकर आई। नो नहीं चाहिए, सिर्फ बूबू मिल्क पीते, नहीं चाहिए। ये बूबू मिल्क है। हाँ ये बूबू मिल्क है, बूबू मिल्क है, प्रॉमिस। थैंक यू। ये लो बीवी, बूबू मिल्क आ गया। फिर ये चुप हो गई, चुप हो गई। थैंक यू सो मच। आपको अल्लाह मियां ने भेजा है ना? हाँ है ना।
ये पैसे ले लो आप। नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तेरे पैसे हैं, तू रख। मैं रख लूं? हाँ। नहीं फ्री में। थैंक यू सो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मेरा नाम शमीम है। शमीम, शमीम आंटी, थैंक यू सो मच शमीम आंटी, थैंक यू। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अरे अपना नाम तो बता दे। आपको नहीं पता मेरा नाम? I'm बूबू। यस। और ये मेरी बेटी है। सारा दिन दूध ही पिलाता रहेगा क्या? काम क्या खाक करेगा? लोग बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। जाओ अपना काम करो, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे बच्चे को? चलो निकलो यहाँ से, भागो वहाँ पे। Yes, thank you so much, अम्मी मांटी। कोई बात नहीं। छोड़ इनको, हम ही पागल है। खूबसूरत उस्ताद ने आपके लिए हलवा भेजा है, वो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए। ले जाए इसको वापस। थोड़ा सा तो खा लें। मुझे नहीं खाना। कुछ तो खा लें, खाने से कैसी नाराजगी है? खाने से नाराजगी नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक है, उनके लिए नहीं तो किसी और का दिल रखने के लिए खा लेना। अनवर, हो सके तो मुझे सुबह के लिए माफ कर देना। अनवर, माफी की क्या जरूरत है, मैं तो हूं ही बुजदिल। नहीं अनवर, तू बुजदिल नहीं है, तू बस मजबूर है। मजबूर और बेबस वही होता है जो बुजदिल होता है। नहीं अनवर, मजबूर और बेबस तो मैं भी हूं, और शायद इसीलिए शर्मिंदा भी हूं, मगर तुम्हारे अलावा यहां पे मेरा कोई और है ही नहीं। तू रो मत रानी, तू बैठ बैठ। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत। रोने से क्या ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? मैं हूं ना, भरोसा रख मेरे पे। मैं नहीं रह सकती अब यहाँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे हर वक्त एडी की याद आती है, घर वालों की याद आती है। मैं जानता हूँ, और मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस रो मत, रोने से कुछ भी नहीं होगा। ये ले, ये हलवा खा ले। ज्यादा रो, ज्यादा मेहनत कर। 500 रुपए को पैसे होते हैं? तुझे किसने भर्ती किया? भीख नहीं मांगनी आती तुझे? हमसे 1000 से कम लेकर आया ना तो उल्टा लटका दूंगा। निकल, चल चल। उस्ताद 1300। ठीक है, 1300। 1300 उस्ताद, 1513 रुपए। इससे ज्यादा, 1513। सीखो इससे, चल निकल जा। 1513 लिख मेरे शहजादे के आगे। अंकल, चंकना मेरे रशीद, ये पकड़, इसका चंकना चेक कर ले जरा। We'll be right back.
इस बावले के 700 लिख ले। जी उस्ताद। हाँ ये ले। अब एक काम कर, सारे बच्चों को बैरक में बंद कर दे सिवाय इसके, और अकबर को हिसाब दे दे, कह देंगे सूरत उस्ताद को बता दे। जी उस्ताद। चलो चलो बच्चों, चलो अंदर। अंकल अंकल, इन पैसों में वो बीबी का मिल्क और डायपर आ जाएगा? हाँ नहीं, इन पैसों में तो नहीं आएगा। नो नो नो, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं आ जाएगा ना प्लीज। देखे बहुत रो रही है, इसको बहुत भूख लग रही है। नैनी ने बोला था जब बीबी को मिल्क और डायपर नहीं मिलेगा ना वो मर जाएगी। ये ऐसे बहुत होती है, मैं नहीं संभाल रहा, प्लीज प्लीज प्लीज। मर जाएगी अगर भूख नहीं मिलेगा ना? यस यस, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा चल तेरी बात मान लेता हूँ, तू बैठ। बैठू या बैठ जाऊ? बैठ ना। सॉरी। मैं तेरी बीबी के लिए दूध और वो क्या कह रहा था तू? डायपर। हाँ यस, वो लाके दे सकते? यस लाके दे। आहिस्ता बात किया। सॉरी। तुझे एक काम करना होगा, तू रोज जो पैसे कमा कर लाएगा ना वो सीधा मासूम अंकल के पास। किसके पास? सीधा मासूम अंकल। हाँ आहिस्ता आहिस्ता, सीधा मासूम अंकल के पास लेके आएगा और किसी को बताएगा नहीं। नहीं बताऊंगा। यस फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जी उस्ताद। जल्दी आ। आप जी उस्ताद, ये ले जा। जी। और इसको भी बैरक में बंद कर। ये बंद कर दो मुझे। बहुत अच्छे अंकल है ये। थैंक यू अंकल, मासूम अंकल, थैंक यू। जाओ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ 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 जाओ। चलो चलो चलो। तो बड़े काम की चीज निकला है मासूम भाई, इसको हाथ से नहीं जाने देना। उस्ताद पप्पू 1150 रुपए लेके आया है, राशिद 900 रुपए कमा के लाया है, एनी ने 1300 रुपए कमाए हैं, मोटू ने 1200 रुपए कमाए हैं, जग्गू ने उस्ताद 1500 रुपए कमाए हैं और बूबू 700 रुपए कमा के लाया है। बूबू 700 रुपये कमा कर लाया? जी उस्ताद। जग्गू के सिंगल पर था वो? जी उस्ताद। बच्ची थी उसके साथ? जी उस्ताद। बुला कर लाओ उसे। उस्ताद कहीं डर ना जाए, पहला दिन था आज उसका। असल में उसको मेरा पता नहीं, जो मेरे सामने झूठ बोलता है ना मैं उसके पांव के नीचे से जमीन खींच लेता हूँ। समझ नहीं आ रही खूबसूरत, तेरे इनको असूल याद क्यों नहीं रहते? ना धोखा करो ना धोखा खाओ, गलती की माफी है चोरी की नहीं। चोर दुनिया के लिए है, खूबसूरत के लिए नहीं। ये सबक इनको सिखाना पड़ेगा। अकबर मियां। जी उस्ताद। मैं काम के लिए जा रहा हूं, उसे लेकर आना। 8000 रुपए? अरे भाई ये बूबू तो पैसे कमाने की मशीन निकला, इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं उससे ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगा साथ, आप एक बार भेजें तो सही। तुझसे ना हो पाएगा बेटा, तुझसे ना हो पाएगा।
पैसे पकड़, और वो जो अपनी बच्ची के लिए दूध का डब्बा मंगवा रहा है ना, एक तो वो ला दे, और वो क्या है वो डिपर डैपर क्या है, हाँ वो भी लेता है। और उससे जाने से पहले ना कंपनी का नाम पूछ ले, पागल सा है, कोई गलत गलत आ गया तो पता नहीं तेरे पीछे ना पड़ जाए। ठीक है उस्ताद। हाँ अब बात सुन, बात सुन, और चीज़ याद आ गई, उसके लिए ना कोई सस्ती सी चॉकलेट भी ले। मेरे लिए? तो मोटे कमा के कुछ लाता नहीं है, मेरे लिए, उसके लिए लेकर आनी है, और सीधा सारा सामान मेरे पास लेकर आई, तेरे पे एतबार नहीं कर सकता मैं अब। चल जा निकल, चल। मासूम भाई? हाँ। वो खूबसूरत उस्ताद बूबू से मिलना चाह रहे थे। बूबू से क्यों? वो पता नहीं, मैंने उनको हिसाब दिया, वो उनको कुछ ठीक नहीं लगा, वो कह रहे थे उनको मिलना है बूबू से। अच्छा, अच्छा किया मेरे पास आ गया। उस्ताद को इस तरह की टेंशन में नहीं डालना हमने। तो उनको कह दें कि बूबू अभी है नहीं, गया हूँ मैं, संभाल लूंगा, ठीक है? वो तो अभी फिलहाल कहीं बाहर गए हैं। हाँ तो ठीक है, वो जब आएंगे मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। हाँ तू जा। अच्छा बात सुन, बात सुन, बूबू को वो कुटिया दे दे सोने के लिए। कुटिया? हाँ, जालिम आदमी, पागल बच्चा है, छोटी सी बच्ची है उसके पास, तुम लोग बिना इंसानियत नहीं है तुम लोगों में, जो मैं कह रहा हूँ वो कर जा, कुटिया दे उसको। ठीक है। हाँ जा। हाँ जी उस्ताद, उस्ताद मासूम बोल रहा हूँ। हाँ जी उस्ताद, क्या हुआ वो आप वो पागल बच्चे से मिलना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, पैसे तो 700 ही कमा के लाया जी, लेकिन उस्ताद मेरा मशवरा आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, आप बड़े आदमी हैं, आप कैसे उस छोटे फकीर से मिलेंगे? आप कहते हैं तो उसकी ज़ुबान काट देता हूँ, हाथूत काट देता हूँ, ज़्यादा कमा लेगा। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं उस्ताद आप बेफिक्र हैं, मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसकी जी, मैं करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपका फटा कब काम आएगा। जी 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 जी, ठीक है जी जी जी। आज तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए मासूम साहब। आपको पता है मासूम अंकल कितने बेस्ट अंकल है? ये वाले चॉकलेट है ना, वो उन्होंने दिए। आपको पता है ये सब है ना, बीबी का डायपर, मिल्क और ये वाले चॉकलेट्स और रूम, ये सब मासूम अंकल ने दिया है। अब ना बीबी तंग नहीं करेगी। यस, अब बेबी को भूख भी नहीं लगेगी। हाँ यस, भूखी भी नहीं होगी, और बार बार ना इसकी शॉर्ट्स गीली भी नहीं होंगी। यस, और टंकी भी नहीं होगी। यस, बहुत अच्छे अंकल है, बहुत अच्छे अंकल है। नहीं वो बहुत बुरे अंकल है, वो डांटते हैं। ओह मुझे जाना होगा। आपको कुछ भी नहीं आता है? नहीं कुछ भी नहीं आता होगा, वो बहुत अच्छे अंकल है। ये सारी चीजें दे रही, कितना अच्छा रूम है। थैंक यू मासूम अंकल, बाकी बाद में खाऊंगा। ओह अच्छा रूम है। बीबी आपको अच्छा लगा ना ये वाला रूम? ये मासूम अंकल ने दिया, बहुत अच्छा अंकल है वो। यस। चॉकलेट भी दी उसे? हाँ उसको दी। वो आज भी 700 रुपए कमा के लाया मेरे स्टाफ पे, और मैं 1500 रुपए लाया। मुझे तो आज तक कुटिया नहीं दी, उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, भी क्या वो हाथ मांगेगा? मासूम उस्ताद को लगता है कि वो बाद में कमाएगा। वैसे जग्गू एक बात तो है, उसके पास गाड़ियां बहुत ज्यादा रुपए। मैं यहाँ का स्टार हूँ, मैं ज्यादा पैसे कमाता था, कमाता हूँ और आगे भी कमाऊंगा। वो
जग्गू तैयार हो जा, तेरा वास्ता जग्गू से पड़ा है। ये ले। थक गया भाई। क्या है उस्ताद? वो आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी? चल बैठ जा, बड़े दिन से तू हड्डर आमी कर रहा, पैर भी नहीं दबारा, बैठ जा ना। उस्ताद, उस्ताद मुझे मेरा सिग्नल चाहिए उस्ताद। बेकार की जिद कर रहा जग्गू, अच्छी तरह जानता है मेरा नहीं खूबसूरत उस्ताद का फैसला, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। जोर लगा ना उस्ताद। आप कर सकते हैं उस्ताद, आप चाहें तो मुझे सिग्नल पे भेज सकते हैं उस्ताद। उस्ताद कर लेना प्लीज, मैं उससे ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगा उस्ताद, आप एक बार भेजें तो सही। तुझसे ना हो पाएगा बेटा, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़ दे। उस्ताद दिल लगा के काम करूंगा और जैसे पहले कमाता था उससे भी ज्यादा कमाऊंगा। उस्ताद भेज देना मुझे सिग्नल पे। अच्छा अंगूठा 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 दबा। आए चल ठीक है, जा दिया तुझे मौका, कल तू अपने सिग्नल पे जा, लेकिन उससे ज्यादा पैसे कमा के लाने पड़ेंगे। शुक्रिया उस्ताद। ठीक है उस्ताद, अगर कुटिया भी मिल जाती तो। है ना फिर अंदर से मांगता ही, मेरे सामने भी मांगना शुरू किया तो मांग ही जा रहा है, मांग ही जा रहा है, मांगता कहीं का। सिग्नल चाहिए या कुटिया? नहीं नहीं उस्ताद, पहले सिग्नल बाद में कुटिया। पहले सिग्नल बाद में कुटिया। चल जा दफा हो जा। कुटिया चाहिए। अंकल वाटर है आपके पास? वाटर पानी मजी बच्ची के लिए खाना चाहिए। अंकल बीवी में क्या पैसे? शहजादा 1900 रुपए लेकर आया है आज, ला सकते हो तुम लोग इतने पैसे? ए मेरा बब्बर शेर है, बब्बर शेर, चल जा शेर जा और कल की तैयारी कर। जी उस्ताद। वेल डन वेल डन। इसका 1900 लिख ले ना। हाँ मैं
इसका हिसाब मैं खूबसूरत उस्ताद को खुद दे दूंगा। ठीक है उस्ताद। फिलहाल जाओ जाकर सबको बैरक में बंद कर। ठीक है उस्ताद। ओके थैंक यू थैंक यू। चलो चलो बंद कर दो मुझे। यस थैंक यू। वेल डन जग्गू वेल डन वेल डन। सात हजार नौ सौ सत्तर सी नब्बे आठ हजार रुपए। अरे भाई ये बूबू तो पैसे कमाने की मशीन निकला, इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। मानो या ना मानो, ये जो बुबू इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह ये बच्ची ही है। सही कह रहा है तू। तेरी गोरी चिट्टी बच्ची देख के तो किसी को भी तरस आ जाएगा। वैसे ये जो बुबू की बच्ची है ना, ये सोने की चिड़िया है, सोने की। तो इस सोने की चिड़िया के पर काट देता हूँ। अकबर मियाँ बैठ जा बैठ जा। अरे आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी उस्ताद, बुबू 2000 रुपये कमा रहा है। अकबर मियाँ, जिसने हमारे तीन असूल याद कर लिए ना, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। ना धोखा करो ना धोखा खाओ। गलती की माफी है, चोरी की नहीं। झूठ दुनिया के लिए है, खूबसूरत के लिए नहीं। देखना आहिस्ता आहिस्ता बबू और भी बड़ी दौलत कमाएगा। अरे बबू है ही बड़ा अच्छा माई का लाल, उसकी बेटी भी बड़ी अच्छी है, दोनों बड़े मुकद्दरों वाले हैं। बबू जो है ना, मुझे उससे और भी बड़ी उम्मीद है। इतनी सारी वो दौलत कमा कर लाएगा, देखना तेरे सामने लाएगा। बबू बड़ा अच्छा है माई का लाल, और उसकी बेटी भी बड़ी अच्छी है, बबू की बेटी। अच्छा सुन, अगर आंखों का इंतजाम हो जाए बच्चे की उम्र से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिनिश डन। ओके डायपर डन, मिल्क डन, सब हो गया। ये सब हो गया, ये सारी चीजें ना, ये सब ये मासूम अंकल ने दिए हैं। यस, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं ना ये सब ले लूं मैं। हाँ, क्योंकि वो जो सिग्नल पे पैसे मिलते हैं ना, वो खूबसूरत अंकल के होते हैं। यस, उनके होते हैं, आप नहीं ले सकते वो पैसे, वो आपके नहीं होते। यस यस, तो उन्होंने ये चीजें दे दी। आई एम वेरी हैप्पी आई एम द लकीएस्ट टेस्ट 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 पर्सन इन द वर्ल्ड। यस हां, उस आपको उन्होंने दिया ये सारी चीजें। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे अंकल हैं। एनी, आप अभी ये सब खा लो ना चीजें, फिर आप अपने रूम में चले जाना प्लीज। हाँ सही, मुझे बहुत नींद आ रही। ओके ओके। अरे बीबी कितनी क्यूट है ना मेरी बेटी। आंखें बंद कर। क्यों? बंद तो कर, पहले बताओ क्यों। एक मिनट के लिए आंखें तो बंद कर। अच्छा सिर्फ एक मिनट। अब खोल। ये मेरे लिए है? हाँ। ये
क्या हुआ, अच्छे नहीं लगे? नहीं, अच्छे तो लगे, लेकिन ये मेरे किस काम के? मैं कब पहनूंगी इसे? तू परेशान मत हो, जल्दी तू ये चूड़ियां पहनेगी और अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? नहीं मिल रहे बच्चे, लोग बड़े मोहतात हो गए हैं। क्या बोल रहा है तू? यहां से बच्चा नहीं निकाल सकता। तू समझ क्यों नहीं रहा है? खूबसूरत के पास हर बच्चे का रिकॉर्ड है, हाथ कटवाएगा क्या मेरे? क्या पागल हो गया है? कहां से लेके आऊंगा दो गुर्दे में है? नहीं तो आंखें भी नहीं मिल सकती। अबे मेरी नजर में ऐसा कोई बच्चा? अच्छा सुन, अगर आंखों का इंतजाम हो जाए तो बच्चे की उम्र से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और अगर बच्ची 2 माह की हो तो? ठीक, समझ ले काम हो गया। किधर गई? यही तो थी, मुझे क्या पता किधर गई बच्ची। अंकल ले लो,